हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप ठीक होंगे। अभी कोविड का माहौल चल रहा है, तो कोविड की वजह से सारी चीजें ऑनलाइन जा रही हैं, राइट? तो अभी सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग की सारी चीजें ऑनलाइन जा रही हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कैसे सेंट कोलंबस की वेबसाइट पे एक स्टूडेंट को कैसे क्या क्या फैसिलिटीज दी हुई हैं, कैसे कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आपके और वेबसाइट में और क्या क्या फीचर्स हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। और कोलंबस कॉलेज की अभी की वेबसाइट और पुराने वेबसाइट पर हम लोग और भी रिव्यूज के बारे में बात करेंगे, पूरे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और मोर अपडेट्स के लिए आपको मिलता रहेगा, है ना? शुरुआत करते हैं इसके पेज लोडिंग के बारे में। तो यार, पहले ये वेबसाइट बहुत स्लो थी क्योंकि यहाँ पे वीडियो बैकग्राउंड आता था, तो आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था या फिर क्या था, लेकिन उन लोगों ने वेबसाइट को वीडियो को हटाया है और एक स्लाइडर, नॉर्मल सी स्लाइडर लगाई है ताकि पेज की लोडिंग फास्ट हो सके। तो नाउ अगर आप देख सकेंगे तो पेज की लोडिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुई है। मैं नॉर्मल जियो का नेट यूज़ कर रहा हूँ अभी, मैंने वाईफाई हटा रखा है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो नॉर्मल जियो ही यूज़ करते हैं, सबके यहाँ वाईफाई नहीं होता, तो मैंने अपना वाईफाई डिस्कनेक्ट किया हुआ है और मैंने अपने ही इंटरनेट से ये चीज़ें कनेक्ट की हुई है। सो आप देख सकते हैं यहाँ नॉर्मल स्लाइडर मिलेगा आपको एंड देर आर ऑल फैसिलिटीज ओवर हियर। सो नोटिस एंड अनाउंसमेंट, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट कि आपको अगर वीव्यू के लिंक्स चाहिए, यूजीसी के लिंक चाहिए, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के लिंक चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, चांसलर पोर्टल, अगर आपको किसी की भी लिंक चाहिए, आप एक स्क्रॉल करोगे एंड हियर इट इज द क्विक लिंक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे गूगल करने की जरूरत नहीं है। मैं सेंट कोलम्बस की वेबसाइट में जाऊंगा और मुझे वीव्यू की लिंक यहीं से मिल जाएगी। ऑल्दो आप गूगल करके वीव्यू की लिंक निकाल सकते हो, बट आपको अगर ऑफिशियली लिंक चाहिए तो ये इनकी, आई मीन टू से कि ये वेरीफाइड लिंक होगी जो सेंट कोलम्बस कॉलेज की वेबसाइट कमेटी ने यहाँ पे डाला होगा। एंड हियर द नोटिस एंड अनाउंसमेंट्स सो एंड कोर्सेज, तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी तो पेज का जो लोडिंग स्पीड है वो फास्ट हुई है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे, जो पहले लोग फेस कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे ना अफवाहें उड़ी हैं या फिर कुछ भी है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने भी पर्सनली जाके बात करी कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। तो प्रॉब्लम्स के ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं। तो अगर आप, मैं इस पेज की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो इस पेज की ना नॉलेज हर एक स्टूडेंट को होनी चाहिए क्योंकि आपका ये इनिशियल प्रोसेस है। अगर आपको लॉगिन पोर्टल में जाना है तो अगर आपको अपने डैशबोर्ड में जाना है जहां से आप अब फी पेमेंट भी कर सकते हैं, आप अपना बोनाफाइड भी डाउनलोड कर सकते हैं, और चूंकि सब कुछ प्रोसेस आपका ऑनलाइन है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो आपको फिल करना ही रहेगा, है ना? तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पेज के अगर बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर आप यहां देखें तो सिर्फ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर, आपको मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर्ड है, सो इन दोनों के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे ना एक प्रोसेस है। आपको लगता होगा कि यार हमारा नंबर तो रजिस्टर ही नहीं हुआ है, हमारा तो मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, आपको बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, इधर यू आर रजिस्टर्ड और यू आर नॉट ऑथराइज्ड, ऐसा करके हैं। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से आपको अपना डेटा इनिशियली फिल करवाना पड़ेगा आपके डिपार्टमेंट के थ्रू। तो अगर आप, आपका कुछ कुछ अगर मान लीजिए, अगर मैं, चलो मैं एक रैंडम नंबर अगर मैं डाल देता हूँ, अगर मैं रैंडम नंबर यहां पे डाल देता हूं तो ये मेरे को ऐसा बोलेगा कि इधर यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड और रॉन्ग रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर। अगर ये वाला प्रॉब्लम अगर आता है ना, तो आपको अपने डिपार्टमेंट के पास, आपके जो भी एचओडी हैं या फिर आपके जो भी फैकल्टी मेंबर, उनसे आपको बात करनी रहेगी कि सर हमारा डेटा यहाँ पे ऐसा बता रहा है। अगर पहले वाला प्रॉब्लम अगर आप सोच रहे हो कि ये पहला प्रॉब्लम है, इधर यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे जाके आप लॉग इन पोर्टल में आप क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, ईमेल पासवर्ड, अगर आपने पहले भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो। अगर आपने पहले भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आप पासवर्ड अगर भूल गए हो तो यहाँ से आप रिसेट कर सकते हो, ये आपको सेम आपको वैलिडेट करेगा और ये आपको सेम सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना रहेगा जस्ट टू यू नो वेरीफाई, है ना? अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था और मेरा रॉन्ग मोबाइल नंबर और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता रहा है, तो आप अपने डिपार्टमेंट से आप पहले बात करें, उनसे वेरीफाई करवाएं कि आपका जो डेटा है वो आपके उनके पोर्टल पे चढ़ा हुआ है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे तो उनका डेटा बहुत सारा मिसप्लेस हो जाता है, गलत डेटा इंसर्ट हो जाता है। तो आप अपने डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवा लें कि हाँ आपका डेटा डैशबोर्ड में, उनके डैशबोर्ड में है या नहीं है। अगर नहीं है
तो आपको वो जस्ट आपके HOD जो है वो वहां पे आपका डेटा, ऑनलाइन डेटा वो आपका फिल इन कर देंगे, फिर आप यहाँ पे अच्छे से आपको ये स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर ये प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप अपने डिपार्टमेंट पे जाएं और आप पहले वेरीफाई करवा लें कि हाँ आपका डेटा डैशबोर्ड में है। ओके, द फर्स्ट प्रॉब्लम। द सेकंड प्रॉब्लम, बहुत बार ऐसा होता है कि ये रेड मार्क ही आता है, यू आर ऑथराइज्ड बाय गूगल रिकैप्चा एंड यू कैन प्रोसीड, है ना। तो अब इस ये प्रोसेस क्या कहता है, ये प्रोसेस कुछ नहीं है, बस ये कि पहले गूगल वेरिफिकेशन में ना पहले बहुत सारे प्रोसेस होते थे, जैसा कि आपको इमेज वगैरह वैलिडेट करवाने पड़ते थे, आपको कोई दो नंबर का सम बताना होता था, है ना। बट अभी क्या है कि ये सिस्टम जो है इनका, ये ऑटोमेटिकली आपको रीवैलिडेट कर देता है। मतलब आई मीन टू से कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वेट करना है कि ये ग्रीन हो जाए। अगर ये ग्रीन नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि आपका जो सिस्टम है वो या तो आप कुछ दूसरा इनवैलिड रिसोर्स यूज कर रहे हो, या फिर आपने VPN कनेक्ट कर रखा है, या फिर आप कुछ ऐसा अनएथिकल काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई करता है कि इफ यू आर नॉट ऑथराइज, देन यू हैव टू चेक विद योर इंटरनेट कनेक्शन और योर VPN, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मैं चूंकि मैंने अभी तक, आप देखो, मैं किसी भी VPN से कनेक्टेड नहीं हूं और ना ही मैं कुछ इनवैलिड रिसोर्स यूज कर रहा हूं, मैं बस एक नॉर्मल यूजर की तरह अगर मैं काम कर रहा हूं, तो आप देखो कि यहां पे मेरा ये ऑथराइज्ड आ रहा है। और मैं अगर मैं आपको अपने इंटरनेट की स्पीड भी अगर मैं दिखाऊं, तो ये नॉर्मल जियो की ही स्पीड है। मैंने अपना राउटर हटा रखा है, जैसे मैंने पहले बताया था, 1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps। अगर आपका 1 Mbps भी है तो भी आप आराम से, आपका ये हो जाएगा, गुड फॉर जियो। सो अगर आप यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन स्टेप्स दिए हुए हैं, लाइक वैलिडेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, वैलिडेट OP एंड फिल द ऑल द बेसिक डिटेल्स। तो वे बेसिक डिटेल्स भी आप अगर आपको फिल करना है तो आप आराम से, आप उसमें मैंने देखा है 3-4 और स्टेप्स होते हैं, है ना, तो उस पर आप फिल कर सकते हो डिटेल और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है, यू जस्ट नीड टू यू नो टेक द स्क्रीन शॉट। पहले तो प्रॉब्लम यहीं पे आएगी, अगर आपको यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपको वो फाइनल इस वाले पेज पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्मूथ है, आपको कुछ करना नहीं है। तो सपोज दैट अगर आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो जाता है, तो फिर ये आपको लॉगिन पोर्टल पे आपको लेके चला जाएगा। अब मेरे पास एक यूजर है जो मैंने आपके कॉलेज से डमी लिया हुआ है, एंड आई हैव अ टेस्ट पोर्टल टू शो यू गाइज कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे कैसे। तो लेट्स टेक अ रिव्यू फॉर दैट। पहले तो आप, पहले आप जब आप जाओगे, आपको इस तरीके का पोर्टल मिलेगा। चलो मोबाइल व्यू में भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो ये रहा आपका मोबाइल व्यू में, कुछ आपका ऐसा देखेगा, ये हटना चाहिए था यहाँ पे, ये टेस्ट आपका आना नहीं चाहिए था यहाँ पे, आप फिर डमी में जानी चाहिए थी। कूल, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देखोगे, आपने जो भी, मैंने जो भी बेसिक डिटेल फिल किया था, ये मेरा यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स कि आई एम वैलिडेटेड। अगर मैं अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ तो देयर इज अ स्मूथ प्रोसेस कि वो मेरे को यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन देता है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ और मैंने किया भी है। मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम मुझे तो नहीं आई। अगर प्रॉब्लम आती है तो एज सेम एज आप किसी और से बात करने के बजाय अपने डिपार्टमेंट से बात करो, हो सकता है कि वो आपको आपके आपका डेटा एक बार रीवैलिडेट करके आपको वो कन्फर्म कर दें, क्योंकि डेटा आपके डिपार्टमेंट के पास ही, राइट। तो यहाँ पे मैं, अगर मैं डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे डैशबोर्ड में मेरा रोल नंबर, मेरा कोर्स नेम, मेरा मेरी सेशन, मेरा किस मैं सेमेस्टर में हूँ, और मेरा जेंडर और बेसिक डिटेल मेरे को यहाँ पे मेरी दिख रही, ठीक है। तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगी अभी तक। अगर लगती है तो, अगर मुझे जो जो प्रॉब्लम मुझे लगी थी वो मैंने डिपार्टमेंट को बताया था, एंड उन्होंने रिव्यू करके बहुत कुछ सही किया है, एंड अब स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट। सो अब मैं बात करता हूं फी पैनल के बारे में। तो आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑलरेडी फी टाइप मिलता है, जिसमें आपको बस देखना होता है। जैसे मैंने उनके अपने, बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, और उन्होंने मुझे दो डेमो पोर्टल डेमो फी बना के दिया था। इट्स समथिंग लाइक कि अगर आप इंग्लिश ऑनर्स में हो, आपके आप अगर इसमें हो, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, बस आपको फी टाइप सेलेक्ट करना पड़ सकता है। जैसे कि इसमें अगर आप MCA सेमेस्टर 3 एडमिशन फीस ऐसा करके है, तो आप बस फी टाइप में जाओ, आप सर्च कर लो। आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीस के ना मॉड्यूल्स आ जाएंगे कि आपको कौन सा वाला फी पे करना है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे डेमो सेमेस्टर 3 आर्ट्स बॉयज, मुझे ये वाला फी पे करना है। मैंने एक बार अमाउंट देख लिया, ओके 20 है,
अब मुझे कोई और फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अगर मैं गर्ल हूं तो मैं मुझे गर्ल्स का ऐसा मुझे फिल्टर करना पड़ेगा, उसमें मुझे एडमिशन इंग्लिश सेमेस्टर 3 टेस्ट गर्ल्स वो लोग, ये आपका डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे मिला हुआ है। अब ये ओरिजिनल में आपको कैसा दिखेगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कैसा सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एंड आप जैसे सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 में आप जाओगे, आप सर्च करोगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे, पे नाउ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है और कितना कितना अमाउंट लग रहा है। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में मुझे इन लोगों ने आपके कॉलेज में दो ऐसा डमी बना के दिया है जिसमें डेमो डेमो एड 1 डेमो 2 दस दस रुपए का 20 है ना। तो ये जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट टू पे का ऑप्शन अगर आपको लगेगा, अगर आपको लगता है नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं है तो आप कोई दूसरा वाला भी ले सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं गलत हो गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको वापस से फी पैनल में जाना है, वापस से आपको सर्च करना है। जैसे कि मान लो मुझे बॉयज का सर्च करना था, मैं गया पे नाउ पे, मैंने बटन क्लिक किया, मुझे लगा यार ये वाला तो नहीं है, मैं वापस से जाऊंगा, मैं वापस से मैं फिल्टर करूंगा। आप देख रहे हो मैं ऑनलाइन लाइव वेबसाइट में काम कर रहा हूँ, इट इज सो फास्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, तुरंत 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 मेरा काम हो रहा है और मुझे कोई ऐसा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पे नाउ पे मैं गया डेमो 1, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता कि अगर आप ये वेबसाइट रिस्पॉन्ड सही नहीं कर रही है, आप एक बार अपना इंटरनेट स्पीड चेक कर लो, ये आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा कि अच्छा आपके इंटरनेट अगर स्पीड में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी मेरा जियो है, मैं हजारीबाग में यूज कर रहा हूँ और ये सरप्राइजिंगली मुझे आज ये 5 Mbps की स्पीड को ये मुझे दे रहा है, तो जियो के लिए बेटर फॉर मी। बट अगर ये 1-2 Mbps पे भी मैंने पहले चेक किया था, वीडियो बनाने के पहले मैंने ऐसे ही चेक किया था, तो वो भी ये उतना ही फास्ट फास्ट खुल रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो बस मैं जाऊंगा, मैं फिल्टर करूंगा कि सर्च फी टाइप मेरा कौन सा है, मुझे बहुत सारे यहाँ पे फीस है, आप लोगों को बहुत सारे लिस्ट आएंगे, आपको उनमें से चुनना है कि आपका कौन सा है। जैसे कि मान लो गर्ल्स में मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा यहाँ पे एडमिशन का है, मुझे एडमिशन लेना है, तो मुझे एडमिशन का फी यहाँ पे मैं जाऊंगा पे नाउ करूंगा और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट टू पे पे बस क्लिक कर दूंगा। दैट्स इट, 3 सिंपल स्टेप हैं। आपको फी टाइप सेलेक्ट करना है, आपको फी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और आपको यहाँ पे ये आपकी ऑफिशियल कॉलेज की वेबसाइट में आपको पेमेंट गेटवे में आपको छोड़ देगा। सो क्या पेमेंट अगर आप नहीं कर पाते हो, सपोज दैट सक्सेस हो जाता है तो, और अगर सक्सेस नहीं होता है, अगर आप मान लो अगर आप यहाँ पे रिटर्न टू मर्चेंट में जाते हो और आप लीव कर देते हो, ठीक है, अगर मान लो सपोज दैट आपका पेमेंट फेल हो जाता है, ठीक है, सपोज दैट किसी भी हाव में आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आएगा आपको ट्रांजेक्शन फेल, ठीक है, यहाँ पे आपको फी टाइप आपका आएगा और आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे आएंगे कि ट्रांजेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 मेरा ऑलरेडी है, देख रहे हो आप यहाँ पे डेमो 2 गर्ल्स ऐसा करके है, मैंने यही फी पे किया था 23 जनवरी को। स्टेटस में मैं आंख वाले में क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे पूरा दिख जाएगा कि अभी मैंने कब का किया था और ये जैसे ऑथराइजेशन फेल्ड और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी, अगर आपको बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डिपार्टमेंट में जाओ। जैसे कैंसल्ड बाय यूजर, मैंने अभी जस्ट ये पेमेंट किया था और मैंने कैंसिल कर दिया था, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप वापस से आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा और वापस से आप जाओगे, आप बस जाओ। अगर आपको किसी भी तरीके से अगर आपका ये फेल हुआ है, आप जाओ अपना वाला सेलेक्ट करो, जैसे मैंने एडमिशन वाले में मैंने अभी सेलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं रिट्राई पेमेंट ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा, वापस से मुझे वो या देयर इट इज। तो एकदम सिंपल स्टेप है, आपको कहीं कुछ नहीं सोचना आपको, और किसी भी और चीजों को फॉलो नहीं करना। सिंस आई एम यूजिंग दिस साइट फ्रॉम लास्ट 2 डेज फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि ये वीडियो सब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ये काफी कूल था कि मैं अपने पोर्टल से सारे पेमेंट्स को ऑनलाइन कर दूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को लाइन पे लगना पड़ता था, पहले बहुत लाइन थी। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कोलंबस कॉलेज में पढ़ते हैं, वो बहुत लाइन पे लगे रह रहे हैं और बहुत, अब कोविड का सिचुएशन है, आप लाइन पे लगना भी प्रेफर नहीं करोगे, तो यहाँ तो आपको यहाँ पे बहुत स्मूथ ट्रांजेक्शन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रांजेक्शन में जाना, अगर आपके फेल्ड हो गए हैं तो यहाँ पे आपको जाना है और ये आपको तो दे देगा। अगर आपका सक्सेस हो जाता है, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो ये आप जनरेट पीडीएफ में जाओगे, जनरेट पीडीएफ में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें ना ऑर्डर आईडीज वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर टेस्ट कोर्स यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आपको बस ये रिसिप्ट प्रिंट कर लेना है और आपको कॉलेज को जाकर सबमिट कर देना है, कॉलेज उसको वैलिडेट कर लेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा, दैट्स इट। कोई आपको प्रोसेस नहीं करना, या फिर आपको ये
आपको अपने जो भी आपके एचओडी हैं उनको बता देना है कि हाँ मैंने एडमिशन की फी पे कर दी है, और ये आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कुछ भी मैनुअल प्रोसेस में आप जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप देख सकते हैं कि बहुत मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये मुझे टेस्ट क्रेडेंशियल्स मिले हुए थे आपके कॉलेज की तरफ से, मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया और काफी अच्छी इसमें ट्रांजिशनिंग है और काफी स्मूथ प्रोसेस है। आपको डैशबोर्ड में आपको पूरा आपका इन्फॉर्मेशन मिलता है और आई होप कि और अपग्रेड होगा, भी और भी ज्यादा अपग्रेड को होगा और भी ये लोग नए अपडेट्स लेकर आएंगे तो क्या होगा कि काफी ज्यादा ऑनलाइन, क्योंकि तब पूरा प्रोसेस को ऑनलाइन लेकर आना थोड़ा सा क्वाइट टफ है आपके कॉलेज के लिए। तो या यू कैन सी ओवर हियर। वीडियो कैसा लगा, क्या क्या प्रोसेस में और इसमें इंप्रूव कर सकता था, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो द पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है कि आप पहले इसको सब्सक्राइब करें, एंड होप सो अगर आपको और नए अपडेट चाहिए और किसी प्रोसेस का अगर आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं तुरंत ही इस पूरी की पूरी प्रोसेस को मैं आपको ऑनलाइन में पूरे के पूरे अच्छे तरीके से करके दिखा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, टिल देन गुड बाय, घर पे रहें, सेफ रहें, थैंक यू एवरीवन।